प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के 60वां जन्मदिन को वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के तत्वाधान में विकास एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन एवं नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी ऑर्थो वार्ड, महिला ऑर्थो वार्ड, बर्न वार्ड सहित अन्य वार्डों में मरीजों को कंबल वितरण किया। इस संबंध में जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पिताजी के अधूरे सपनों को साकार करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम के उपरांत जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से विक्रम बहादुर सिंह, हरिद्वार सिंह, राम सिंह, मनोज कुमार सिंह, राम सेवक सिंह, गोपाल सिंह, प्रमोद कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन एवं नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, क्या हो गया चाचा, पैर टूट गया क्या? पहले जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या हो गया भैया? अरे अरे अरे, जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। ये भी बहादुर सिंह जी फाउंडेशन की तरफ से है। अच्छा चलिए, कंबल आपके लिए है, अभी बहादुर सिंह जी फाउंडेशन की तरफ जल्दी से। भाजी कहाँ कूद रहे? अरे बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से है, खेला चला रहे। अरे बदमाश, चलो खेले और क्रिकेट कूद रहे थे का? चलो और जल्दी स्वस्थ हो जाइए। क्या हुआ? कहीं काम करते हैं क्या? फिर बहादुर सिंह फाउंडेशन के तरफ से है। चलो को पढ़ाई बहादुर सिंह फाउंडेशन के तरफ से है, जल्दी स्वस्थ। चलो भैया चोटी भैया है, नेपाल से हो? नेपाल से ठीक है। क्या हुआ? चलिए जल्दी स्वस्थ हो जाइए। क्या हो गया? बहादुर सिंह फाउंडेशन के तरफ से है। चलो बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाओ। बहादुर सिंह फाउंडेशन के तरफ से है, जल्दी स्वस्थ हो जाइए। बहादुर सिंह संस्थान की तरफ से है। नहीं कुछ ऐसे वो बेचारे समझे, ठीक हो रहा है। आप उनके लड़के
चलिए जल्दी स्वस्थ हो जाइए और इसको आप लोग स्वस्थ होकर घर लेके जाएंगे। घर ले जाइए। आज स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की जन्मदिन है। आज उनका 86वीं जन्मदिन है और पूर्वांचल के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी की के जन्मदिन दिवस पर हम लोग हर प्रत्येक वर्ष की तरह आज फिर हम लोग एकत्रित हुए हैं और उनके जन्मदिन को आज हम लोग जो उनकी सोच है वो लोगों तक फिर दोबारा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, जो उनका सहयोग रहा पूर्वांचल के लिए, जिसके लिए वो पूर्वांचल मसीहा के नाम से भी जाने जाते थे, उसके पीछे सिर्फ एक ही सोच था कि वो चाहते थे कि एक पूर्वांचल राज की स्थापना हो और जिसकी राजधानी गोरखपुर हो। इसीलिए वो गोरखपुर का हर प्रकार से बहुमुखी विकास करना चाहते थे। उनके जीवन काल में काफ़ी कार्य हो चुके थे लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश उनकी छोटी आयु के नाते नहीं हो पाए पूरा। लेकिन आप आज भी देखें उनके किए हुए कार्यों को, तो जैसे रामगढ़ ताल परियोजना है, गीड़ा का क्षेत्र है जहाँ पर वो चाहते थे कि यहाँ पूर्वांचल के युवाओं को रोज़गार मिले, तो उन्होंने गीड़ा की स्थापना की थी। और यहाँ पर तमाम उद्यानों का आपने देखा है, जो जैसे लाल डिगी पार्क है, पंथ प्रेमचंद पार्क है, इंदिरा बाल विहार है, और जितना भी रोडों का चौड़ीकरण उनके समय पे हुआ वो आज भी हमारे सामने हैं। और उनके किए हुए कार्यों का गोरखपुर क्षेत्र में, विशेषकर गोरखपुर शहर में, चप्पे चप्पे पे, जर्रे जर्रे पे उनका काम दिखता है, आज भी दिखता है। पूर्वांचल के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह, उनकी जो सोच थी पूर्वांचल को लेके, वो चाहते थे कि पूर्वांचल के युवा आगे बढ़ें, उनको रोज़गार मिले, उनको जैसे जौनपुर यूनिवर्सिटी का की कल्पना उन्होंने की थी, आज जौनपुर यूनिवर्सिटी के बारे में आज उनके नाम से ही आज जौनपुर यूनिवर्सिटी है। तो उनका ये सोच था कि पूर्वांचल को बहुमुखी विकास की तरफ ले जाएं और एक अलग पहचान बनाएं पूर्वांचल की। यहाँ पर हम लोग अस्पताल में हर वर्ष की तरह हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं और हमारा ज़रूर रोगियों से और उनसे इंटरेक्शन होता है और हमारे फाउंडेशन के लोग 24/7 काम करते रहते हैं। कुछ मरीजों का जो यहाँ पर आज की जो व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के उसमें नेतृत्व में, वो अगर देखा जाए पिछली सरकारों के कंपैरिजन में तो ये 100 गुना बेहतर है। आज यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर दी गई हैं, मरीजों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर की तरफ भी गया था, बर्न वार्ड में भी गया था, बाल रोग विभाग में भी गया था और तमाम ऐसे विभाग थे जो यहाँ पर कभी ठीक से, मतलब आप वहाँ पाँव नहीं रख सकते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी। आज का वातावरण देख के लगता है कि वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है और रोगी भी यहाँ पे हमको संतुष्ट मिले, उनको इलाज सबको मिल रहा है। मैंने सबका हालचाल और कुछ कुशल क्षेम पूछा मैंने। धन्यवाद।